हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसा वाला जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक्स की। तो देखो, काफ़ी बच्चों के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे कि सर एनसीईआरटी बुक्स आईआईटी जेई के लिए कितना हेल्पफुल है, क्या अगर मैं एनसीईआरटी को पढ़ लूँ तो क्या मेरा आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो यार, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक का रोल देखने वाले हैं आईआईटी जेई एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो बच्चे क्यों पढ़ते हैं, क्यों बच्चे पढ़ते हैं। तो देखो, तुमको ये तो पता ही होगा कि बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ने का सिर्फ एक पर्पज है, वो है बेसिक्स को क्लियर करना। अगर हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे तो फिर डेफिनेटली हमारा जो आईआईटी जेई का एग्जाम है वो क्या है, इजीली क्रैक हो जाएगा। लेकिन यार, जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो तो ये बुक्स सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है। बिल्कुल, मैं तुमको क्लियर कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तुम तीन सब्जेक्ट पढ़ते हो तो यार ये सारे सब्जेक्ट के यूजफुल नहीं है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूँ किसके लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ से। तो बेटा, अगर आप मैथ्स में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक्स के लिए तुम्हारे लिए क्या है, बेस्ट है, कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आईआईटी जेई के लिए तुम्हारा जो बेसिक्स है यहाँ से, तो मान के चलो भाई 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की दोहराया नहीं है, कोई तुमको समस्या नहीं होने वाली है। और तुमको ध्यान रखना है कि इसमें तुम्हारा 11th की होगी बुक और 12th की बुक होगी, तो दोनों बुक को तुमको क्या है, अच्छे से फोकस कर लेना है। तो यहाँ तुम्हारी जो मैथ की समस्या है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो मैथ्स की बुक के लिए मैं कहूँगा हेल्पफुल ये क्या है, डेफिनेटली है, और 100% मैं तुमको दे रहा हूँ कि भाई ये हेल्पफुल होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब मैथ से हटके तुम फिजिक्स पे आते हो, तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं समझना, देखो ध्यान से। जब आप फिजिक्स पे आते हो और एनसीईआरटी को देखते हो तो बेटा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है, थ्योरी को अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तो जो भी बच्चा 11th में आता है या 12th में आता है तो वो चीज़ उसकी क्लियर नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो थ्योरी में समस्या है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ना, जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो बहुत कम है। मतलब इतने कम न्यूमेरिकल दिए हैं कि उतने न्यूमेरिकल करने से तुम्हारी प्रैक्टिस आईआईटी जेई के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा बेस गड़बड़ा चुका होता है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर अगर मैं तुमसे तीसरी चीज़ करूं तो ये जो बुक है वो तुम्हारे बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सर एनसीईआरटी तो सबसे बेस्ट कही जाती है, आप कह रहे हो कि बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। बुक उठा के देख लेना और अपना बोर्ड का पैटर्न देख लेना। तुम बोर्ड के पैटर्न में देखोगे 14 मार्क्स के तुम्हारे MCQ आने वाले हैं। भाई अगर तुम NCERT पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा CBSE बोर्ड होगा और कुछ बच्चों का UP बोर्ड होगा, यही तो सिचुएशन है। अगर बेटा तुम्हारा CBSE बोर्ड है या फिर तुम्हारा UP बोर्ड भी है, तो मैं CBSE बोर्ड का बता रहा हूँ, CBSE बोर्ड आएगा तुम्हारा, तो 14 मार्क्स का MCQ आ रहा है, तुम्हारा 4 मार्क्स का असर्शन रीजन आ रहा है, 8 मार्क्स का तुम्हारा केस स्टडी आ रहा है। अब बेटा ये चीज अगर हम काउंट करें 26 मार्क्स का होता है, तो 26 मार्क्स का तुम्हारा पेपर जो है दिया ही हुआ नहीं है एनसीईआरटी में। तो यार पहली चीज तो ये 11th 12th के लिए बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा बेस यहीं से वीक हो जाएगा, तुम बेकार हो चुके होगे, तो क्या फ़ायदा होगा इस बुक का, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ आईआईटी जेई के लिए कितना हेल्पफुल है ये बुक, तो मैं कहूँगा सिर्फ इतना कहूँगा ये बुक केवल तुम्हारी फिजिक्स की, इसको मैं सिर्फ 25% दूंगा कि भाई 25% से ज़्यादा तुम्हारी ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, तुम्हारी जो थ्योरी होगी वो हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होगी।
तो यही रीजन होता है कि फिजिक्स में जो है कई बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार उनको समझ में आ नहीं रहा होता है। समझ में तो कैसे आएगा जब तुम खराब बुक से पढ़ोगे, बुक ही जब बेकार होगी तो क्या तुमको समझ में आने वाला है। तो ध्यान रखो कि भैया फिजिक्स को जो है नहीं पढ़ना है। अब तुम में से कोई कह सकता है कि सर बुक ही बता दो तो अच्छी, तो बेटा मैं तुमको बुक बता दे रहा हूँ, अच्छी बुक देख लो अगर तुम पूछना चाह रहे हो तो तुम जो है नूतन की बुक आती है, ये CBSE बोर्ड में भी आती है, UP बोर्ड में भी आती है, ISC बोर्ड में भी आती है, तो लेकिन सारे बोर्ड की जो बुक होती है वो थोड़ा अलग अलग होती है क्योंकि बोर्ड के पैटर्न पर बेस्ड होती है। और इस नूतन की बुक में MCQ भी दिया है, असर्शन रीजन भी दिया है, केस स्टडी भी दिया है, तो 26 मार्क्स का पेपर जो तुम्हारा सॉलिड है वो तुम्हारा तुमको यहाँ मिल जाएगा। तो फिजिक्स के लिए तुम समझ गए हो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि अब तुम्हारा जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, जो तुमको अपने IIT JEE के लिए एक नंबर करना होता है। तो बेटा केमिस्ट्री में अगर मैं तुमसे बात करूं तो पहली चीज तो ये आती है कि तुमको रिएक्शन पूरी नहीं दी है। पहली चीज तो समस्या ये कि रिएक्शन पूरी नहीं दी है, मतलब जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन उसके साथ में और क्या प्रोडक्ट बनने वाला है वो पूरा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उससे बच्चे के माइंड में यह कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे समझने वाले समझ भी लेते हैं, लेकिन यार अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको थोड़ा लेट समझ में आता है या तुम धीरे धीरे समझ पाते तो यार बेकार बुक हो जाएगी तुम्हारे लिए। बहुत ही मतलब तेज माइंड वाले ही समझ सकते हैं, मैं तुमसे यही कह सकता हूँ। फिर दूसरी समस्या है इस बुक की कि इसमें जो कन्वर्जन है वो नहीं दिए हैं। अब देखो ये तुमको पता होगा केमिस्ट्री में कन्वर्जन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और जो मैकेनिज्म है वो भी अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लेन सही से नहीं किया है। अब तुमको ये पता है केमिस्ट्री में कन्वर्जन एंड मैकेनिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जब दिया ही नहीं है अच्छे से तो क्या तुम पढ़ोगे यार। कन्वर्जन है ही नहीं रिएक्शन वगैरह में, दे भी दिया तो एक्सरसाइज भी दे दिया, तो ये एक्सरसाइज सोल्यूशन कहाँ से लेके आए, ये भी तो नहीं प्रॉब्लम है भाई। टीचर ने तो कह दिया कि भैया कल लाना है स्कूल में, लेकिन कर कैसे लाना जब पूरी बुक समझ में नहीं है, तो कर कहाँ से लाएं, समस्या तो ये आ रही है। तो कन्वर्जन की समस्या है, मैकेनिज्म की समस्या है। तो मैं तुमसे ये कहूँगा अगर तुम बेसिक करना चाह रहे हो उससे, तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि भाई तुम्हारे लिए ये 50% ही हेल्पफुल साबित होगी, अदरवाइज ये बुक तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित नहीं होगी। सिर्फ 50% ही हेल्पफुल तुम्हारे लिए साबित हो सकती है IIT JEE के लिए। और तुमको मैंने यहाँ बताया यहाँ पर ये बुक तुम्हारे लिए फिजिक्स वाली 25%, केमिस्ट्री वाली 50% और मैथ वाली तुम्हारी 100% साबित होगी। अब केमिस्ट्री में बात आते हैं तो केमिस्ट्री में कौन से बुक पढ़ लें, तो चलो बता देता हूँ। अगर केमिस्ट्री में पढ़ने का सोच रहे हो तो केमिस्ट्री में भी तुमको बताना चाहूँगा कि नूतन की बुक आती है, नूतन की बुक केमिस्ट्री में भी आती है, तो तुम उसको पढ़ सकते हो। यहाँ से तुम्हारा जो 11th 12th का बेसिक है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और जो तुम सोचते हो कि 75% आया कि नहीं, डेफिनेटली आएगा। और अगर तुमको कन्फ्यूजन हो कि भाई सर आप बता तो रहे हो लेकिन क्या सही है, कोई बात नहीं, अगर तुमको डाउट लग रहा है तो NCERT पकड़ लेना, नूतन पकड़ लेना, दोनों को एक बार पढ़ के देखना सेम चैप्टर, तुम खुद रियलाइज कर जाओगे भैया कौन सा बेस्ट है। तो अगर डाउट लगता है तो डेफिनेटली चेक करना चाहिए, अगर डाउट लगता है तो डेफिनेटली चेक करना चाहिए, क्योंकि यार ये तुम्हारे करियर का सवाल है। तो आई होप तुमको NCERT बुक के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि तुमको सारे के सारे वीडियो मिलते रहें और तुम अपने गोल को पाने के लिए डेफिनेटली अच्छे से तैयार हो जाओ। और अगर तुमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो फिजिक्स के लिए एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है हारे का सारा। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम फिजिक्स के अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले तुमको पता होना चाहिए कि तुमको बेसिक मैथमेटिक्स करना होता है,
जिससे कि फिजिक्स तुमको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो बेसिक मैथमेटिक्स की भी एक प्लेलिस्ट है, तो उसको भी जाके जरूर एंड जरूर चेक करें। और कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।